बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से है। यानी आज आपको मैं कोई टर्म बताऊंगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इसका क्या मतलब होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का तरीका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस पर वीडियो बना चुका हूँ। और इसके बाद मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप ब्रोकर्स का इंतखाब क्यों करते हैं, ब्रोकर कौन लोग होते हैं, वो लोग जिनके ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में लेन देन करते हैं, यानी आपका लिंक पैदा करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साथ। तो मैंने बताया था आप किस तरह सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर ब्रोकर्स हैं, तो आप किस तरह इनका इंतखाब कर सकते हैं और कौन सा ब्रोकर आपके लिए ठीक है जो कम पैसे ले, मतलब कमीशन अपना कम ले और सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करे और डिजिटली आप घर बैठकर शेयर्स की लेन देन कर सकें। व्यूअर्स, उसके बाद मैंने आपको आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में आप स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस वो यानी वो टर्म होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कैपेसिटी है कि आप एक शेयर्स लेते हैं 50 रुपये का, तो उसकी प्राइस गिरकर, मैं आपको भी बताता हूँ कैलकुलेटर ऑन करके, स्टॉप लॉस वो होता है यानी अपने लॉस को स्टॉप करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक शेयर्स के लिया है, उसकी प्राइस 50 रुपये है, लेकिन वो एक दो दिन में गिरकर आ गया है 45 पर, ठीक है। तो आप कहते हैं कि मेरी कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की, लॉस बर्दाश्त करने की, वो 40 से ज़्यादा नहीं है, यानी आपको ऑलरेडी 5 रुपीज़ नीचे आया है, तो आपको तकरीबन 10% या 5% आपको लॉस हो गया, तो आप लॉस को स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप स्टॉप लगा देते हैं, यानी ऑर्डर स्टॉप का लगा देते हैं कि अगर इसकी प्राइस मज़ीद यानी 40 पर पहुँचे, तो अगर पहुँच जाए 40 पर आ जाए यानी मज़ीद गिरती है, तो मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए यानी मेरा शेयर सेल हो जाए, यानी आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि अगर मज़ीद मैं स्टॉप लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऑटोमेटिक यानी आप लगा देते हैं, अगर जो ही टच इसकी प्राइस यानी जो वो शेयर्स जिसकी प्राइस आपने 50 के लिया था पर शेयर्स, और वो दूसरे दिन 45 आ गया है, और तीसरे दिन आप चाहते हैं कि ये मज़ीद नीचे आ रहा है और मुझे नुकसान हो रहा है, तो आप स्टॉप लॉस लगा दें कि अगर ये 43 पर पहुंचा तो ये सेल हो जाए, यानी मज़ीद में स्टॉप लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता, लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो आप इस सूरत में स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस तब लगाते हैं यानी अपने लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए, आपकी कैपेसिटी जितनी होती है स्टॉप लॉस बर्दाश्त करने की, तो आप उस हिसाब से ये स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और स्टॉक मार्केट को स्टेप बाई स्टेप सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।